दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं अपनी इस श्रृंखला में जो यूजीसी नेट डांस ड्रामा थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड है। और इसमें हम कला की चर्चा कर रहे हैं, परिभाषा और विस्तार, और ये इसका भाग चार है। प्रथम तीन भागों में हमने कला शब्द का अर्थ, आर्ट शब्द का अर्थ, उनकी विविध परिभाषाएं और उनका जो प्रभाव है समाज है, उसका जो लक्ष्य है कला का, इन सब पर चर्चा की। और आज हम इस महत्वपूर्ण भाग में कला का वर्गीकरण विषय पर चर्चा करेंगे। और ये जो लेक्चर है, ये न केवल यूजीसी नेट डांस ड्रामा और थिएटर की जो विद्यार्थी हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लाभप्रद रहेगा, अपितु जो हमारे जो अन्य विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर नाट्य या नृत्य विभाग संचालित हैं, या जो थिएटर रंगमंच और डांस के इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, उनके लिए भी लाभप्रद है। और जो स्वतंत्र रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, नर्तक हैं, उनके लिए भी लाभप्रद होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। और ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा स्तर के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो सरलीकृत ढंग से हम इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बंधु, जैसा कि टाइटल है कि कला का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण का तो बहुत रूप है। जैसे हम कला की चर्चा जब कर रहे थे, तो कला जितना एक विस्तृत विषय है, क्योंकि हजारों साल पुरानी परंपरा है, अनेक अनगिनत विद्वानों ने इसके अलग अलग वर्गीकरण करे हैं, अलग अलग रूप बताए हैं, अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग संदर्भों में उसे देखा है। तो कला का वर्गीकरण भी कोई एक प्रकार का नहीं है, अनेकों प्रकार का इसका वर्गीकरण है, अनेकों प्रकार की कलाओं के प्रकारांतर बताए हैं। लेकिन इसको मूलभूत थोड़ा सा हम समझने का प्रयत्न करें, तो सब सर्वप्रथम कला को बहुत सारे विद्वानों, खासतौर से पाश्चात्य जगत के जो विद्वान हैं, उन्होंने कला को मूल रूप से दो प्रकार से वर्गीकृत करा है। एक तो पाश्चात्य विद्वानों में अगर बात करें तो उपयोगी कलाएं, और दूसरा ललित कलाएं। तो उपयोगी कला मतलब जो कोई उपयोगी सामग्री जो हमारी दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, उसे उपयोगी कला की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कुम्हार जो भी मटका, घड़ा या जो अन्य चीज़ें बना रहा है, गुल्लक बनाता है, कुछ चीज़ें बनाता है, वो हमारे उपयोग की कला की श्रेणी में आएगा। बढ़ई जो हमारी टेबल, कुर्सी, चेयर या अन्य चीज़ें बनाता है, वो भी उपयोग की कला श्रेणी में आएगा। और इसी तरह से सुनार, तो ये सब उपयोगी कलाएं हैं और इसको पाश्चात्य विद्वान ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा है ललित कलाएं। तो ललित कलाओं में मूल रूप से पांच प्रकार की हमारी कलाएं आ जाती हैं। शिल्प कला है, मूर्ति कला है, चित्र कला है, स्थापत्य कला है, संगीत कला है, ये सब उसकी श्रेणियों में आ जाती हैं। इसके अलावा परंपरागत रूप से भी अगर वर्णन करें तो कला के सात भागों में विद्वानों ने बांटा है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्र कला, संगीत कला, काव्य कला, नृत्य कला और रंगमंच कला। तो ये अलग कुछ लोग इसको मानते हैं। और आधुनिक कलाओं में फोटोग्राफी, चलचित्र और विज्ञापन तथा कॉमिक्स भी जोड़े जाते हैं, उनको भी कला की श्रेणी में मानते हैं। इसके अलावा उपरोक्त को इस प्रकार से भी विभाजित किया जा सकता है बहुत सारे विद्वानों के अनुसार। कला के जो रूप हैं उन पर हम और भी चर्चा करें। तो सबसे पहले जैसे साहित्य है, तो साहित्य के अंतर्गत काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, कहानी इत्यादि प्रकार का आएगा। पिछले भाग में हमने चर्चा की है कि जो साहित्य है, काव्य शास्त्र जिसे हम कहें, तो बहुत सारे विद्वान काव्य को अलग विधा मानते हैं, काव्य को कला के अंतर्गत नहीं रखते, उसको स्वतंत्र एक कला शास्त्र मानते हैं। तो काव्य शास्त्र अपने आप में एक ग्रंथ है। तो काव्य के अंतर्गत गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य, इत्यादि प्रकार के जो दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, छंद, पद्यात्मक हैं या गद्यात्मक हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो वो एक साहित्यिक कला की श्रेणी हो गई। उसके अलावा फिर कुछ निष्पादन कलाएं के रूप में विद्वान कहते हैं, तो जैसे संगीत है, नृत्य है, रंगमंच है, कुछ विद्वान इसको निष्पादन कलाएं कहते हैं। कुछ वर्णन में पाक कलाएं, जो हमारा होम साइंस है, होम साइंस में मदिरा निर्माण है, चॉकलेटरिंग है, जो चॉकलेट का निर्माण है, बेकिंग है, इत्यादि जो भी चीज़ें जो होम साइंस से रिलेटेड हैं, गृह विज्ञान से रिलेटेड हैं, भोजन विज्ञान से रिलेटेड हैं, वो सब हमारा इसके अंतर्गत आएगा। फिर मीडिया कलाओं के रूप में विद्वान मानते हैं विज्ञापन है, फोटोग्राफी है, सिनेमा है, ये वो कलाएं आ जाती हैं। फिर दृश्य कलाओं के अंतर्गत माने तो चित्रकला या मूर्ति कला है। श्रव्य कला के अंतर्गत है तो संगीत कला आ जाती है। और दृश्य श्रव्य में भी कला का वर्गन करें तो अभिनय और रंगमंच आ जाता है। इसमें नृत्य भी आ जाता है, मतलब देख कर और सुनकर दोनों प्रकार से आनंदानुभूति हम जिस कला रूप की ले पाएँ, वो दृश्य श्रव्य कला है।
ऐसे अलग अलग वर्गीकरण हैं। फिर कला को निम्न श्रेणीगत कर सकते हैं, ये दोबारा वही चीज़ है, इसको हमने देख लिया। और दृश्य श्रव्य, इसके अलावा विद्वानों के अनुसार कलाओं का वर्गीकरण या प्रकार, तो मूल रूप से अगर भारतीय दर्शन में बात करें तो भरत मुनि हैं जो कलाओं का वर्गीकरण करते हैं। वैसे तो बहुत लंबी परंपरा है जिसमें आगे हम चर्चा करेंगे। जो क्षेमेंद्र हैं वो सबसे ज़्यादा 350 प्रकार की कलाएं बताते हैं। ज़्यादातर भारतीय विद्वानों ने 64 प्रकार की कलाओं का वर्गीकरण किया है, लेकिन भरत मुनि की जब हम बात करें तो भरत मुनि मुख्य रूप से दो प्रकार की कलाओं में वर्गीकृत करते हैं, एक मुख्य कलाएँ और दूसरी गौण कलाएँ। तो मुख्य कलाओं में, कला रूपों में संगीत, नृत्य, नाट्य इत्यादि ये जो वर्णन कर रहे हैं वो मुख्य कलाओं में मानते हैं, बाकी जो अन्य छोटी चीज़ें हैं उनको वो गौण कलाओं की श्रेणी में रख देते हैं। फिर यूनानी दार्शनिक हैं अरस्तु, एरिस्टोटल, वो कलाओं के दो रूप बताते हैं, एक उदारवादी कलाएँ और दूसरी ललित कलाएँ, ललित कलाओं के पाँच प्रकार और उदारवादी कलाओं की बात करते हैं। फिर इसी तरह जर्मन दार्शनिक हैं हीगेल दो प्रकार की कला का मूल वर्णन करते हैं, दृश्य कला जो देखकर आनंदानुभूति और श्रव्य कला जिसको सुनकर आनंदानुभूति। और फिर कुछ विद्वान और भी बताते हैं कि दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की कला हैं, देखकर और सुनकर आनंद की प्राप्ति हो। फिर बात करते हैं पाणिनि के अनुसार, तो पाणिनि सबसे ज़्यादा वर्णन कर रहे हैं, पाणिनि दो प्रकार की कला रूपों का वर्णन करते हैं, एक है कारुकला और दूसरी चारुकला। कारुकला से उनका अभिप्राय है उपयोगी कला, जो पाश्चात्य दर्शन में हमने देखा तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाली जो चीज़ें हैं वो कारुकला के अंतर्गत या उपयोगी कला में आएंगी, जैसे कुम्हार, बढ़ई या सुनार, इनके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो सब कारुकला का वर्णन है। दूसरा है चारुकला, तो चारुकला को वो ललित कला की श्रेणी में मानते हैं, और इसमें ललित, सौंदर्य, आनंद इत्यादि प्रकार हैं। इसमें स्थापत्य कला, सबसे पहले ललित कला के जो पांच भाग हैं, स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला, संगीत और साहित्य, तो इसमें अगर हम देखें तो ललित कला की जो श्रेणी है इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। तो देखिए चारुकला का जो वर्णन है ललित कला में, जैसे ललित कला का जो मूल गुण होगा वो है लालित्य, सौंदर्य, आनंद, प्रेम, ये मूल चारुकला का गुण होगा, मतलब लालित्य हो, जिसमें प्रेम हो, श्रृंगार हो, ये सब इसका वर्णन है, वो हमारा चारुकला कहलाएगी। तो सबसे पहले स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में भवन निर्माण आ जाता है हमारा, जो जैसे आगरा का ताजमहल है या अन्य है, ये सब हमारा स्थापत्य कला की श्रेणी में आ जाएगा, जो स्थिर है। फिर मूर्तिकला, तो मूर्तिकला के भी विद्वानों ने दो प्रकार बताए, एक हाई रिलीफ मूर्तिकला है, दूसरी लो रिलीफ मूर्तिकला है। हाई रिलीफ से अभिप्राय है जिसमें बहुत ज़्यादा बारीकी से उभार किया जाए, बहुत ज़्यादा HD क्वालिटी जिसे हम कह दें, एक सरलीकरण समझने के ढंग से अगर मैं बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा जिसमें उभार और बहुत अच्छे से उसका वो हो, तो वो हाई रिलीफ मूर्तिकला की श्रेणी में आएगी। लो रिलीफ मूर्तिकला में हल्का सा जो तराशा जाए उसमें वो हो, वो लो रिलीफ में होगा। और इसके बाद फिर चित्रकला, जो चित्रकला का जो मूल तत्व, मूल जो वर्णन है, मूल अंग जिसे कहें, वो रंग है, रूप है और आकार है। तो रंग के आधार पर, रूप के आधार पर और उसका जो साइज़ है उसके आधार पर ही चित्रकला का वर्णन होगा, निर्माण होता है। फिर ललित कला के अंतर्गत संगीत बहुत महत्वपूर्ण कला है, संगीत कला जिसको इसमें गायन, वादन ये सब जो आ जाता है, तो इसके भी जो प्रकार हैं, तत्व हैं या जो अंग हैं वो ध्वनि हैं, ध्वनि साउंड या नाद एक ही चीज़ है वो लगभग। नाद आपने सुना होगा, आहत अनहत भेद नाद के, या कैलाश खेर का एक वो गाना है कि चौक पुराऊं माटी रगाऊं आज मोरे पिया घर आवेंगे, अनहद नाद बजाओ री सब मिल। तो नाद के भी दो रूप बताए, आहत नाद, आहत अनहत भेद नाद के। नाद तो मूल रूप से होता है साउंड, ध्वनि, ब्रह्मांड में जो भी ध्वनियाँ हैं वो नाद कहलाती हैं। और जब नाद ध्वनि बनती कैसे, दो वस्तुएं आपस में जब टकराती हैं तो ध्वनि की उत्पत्ति होती है, तो जो टकराने से उत्पन्न ध्वनि है उसको हम आहत नाद कहेंगे। अनहत नाद वो है जो टकराने से ना हो, ब्रह्मांड से जिसका दैवीय कनेक्शन हो जाए वो अनहत नाद की श्रेणी में आएगा। तो इसमें गायन है, ध्वनि है, नाद है, वादन है, स्वर हैं, स्वर हमारे सात प्रकार के, सडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, सारे गामा पाधानी, जो अलग अलग प्रकार के जो जानवर हैं उनकी ध्वनियों से ही वो लिए गए हैं, वो बाद में स्वर बने। तो मूल रूप से पहले ध्वनि है, ये संगीत कला के प्रकार हैं।
फिर है साहित्य कला, काव्य कला जिसको विद्वान अलग मानते हैं, तो ये मूल रूप से अर्थ पर डिपेंड होती है कि जो भी हमें रचना मिली है वो संगीत की है, वो नाट्य की है, कहानी है, उपन्यास है, या जो भी है उसका अर्थ क्या है, या कविता है। फिर उसका भाव पक्ष हम समझते हैं कि उसका भाव क्या है, फिर शब्द क्या है, उसकी शब्द योजना क्या है, शब्द रचना क्या है, शैली क्या है, भाषा क्या है, अलंकार क्या है, उसके गुण क्या है, उसका काव्य सौंदर्य क्या है, ये सब जो है उसके अंग है, और इसी तरह से उसका जो अर्थ वाला भाग है, इनकी बात करते हैं। तो मूल रूप से पाणिनि ने दो प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है, जो भारतीय बहुत बड़े दार्शनिक हैं, अष्टाध्यायी इन्होंने रचना की, इसमें दो प्रकार की बात करते हैं, कारुकला और चारुकला, अर्थात उपयोगी कला और ललित कला। अब इनके बाद अगर हम चर्चा करते हैं जो भारत के सर्वोत्कृष्ट कला के रूप में जिन्होंने सबसे ज़्यादा वर्णन किया है, वो हैं क्षेमेंद्र, ये कश्मीरी पंडित हैं, और ये जो भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसके टीकाकार हैं अभिनव गुप्त, उनके ये शिष्य हैं क्षेमेंद्र। तो ये कला वाला ग्रंथ लिखते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्होंने कलाओं का अगर वर्गीकृत किया है, सबसे ज़्यादा अगर कलाओं का वो बताया है, तो ये क्षेमेंद्र हैं, और 350 इन्होंने प्रकार बताए हैं, लेकिन उसके भी कुछ उन्होंने श्रेणियां मानी हैं, 7 प्रकार की मूल श्रेणियां मानी, और उनमें टोटल अगर हम करते हैं तो वो 350 हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले 64 प्रकार की इन्होंने जन उपयोगी कलाएं बनाई हैं, जो जनता के उपयोग वाली जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का जो वर्णन करते हैं वो जन उपयोगी कलाएं इन्होंने 64 बताई हैं। फिर जो मानव का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के जो हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी जो चीज़ें हैं, वो 32 प्रकार के वर्णन पुरुषार्थों के किए हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये वर्णन है, ये भी इसके 32 प्रकार की कलाओं का इसका वर्गीकरण किया गया। इसके अलावा फिर जो वैश्याएँ हैं, जो जिनको हम गणिकाएँ कहते थे पूर्व काल में, या राज नर्तकियाँ भी कहते थे, राज नर्तकी, वैश्या तो एक आजकल का प्रयुक्त तो शब्द है, तो उस उन्होंने भी इसकी 64 प्रकार की कलाएं बताई, जिसमें पुरुष को रिझाना, सौंदर्य अलंकार, प्रेम की कलाएं, ये सब इन्होंने 64 प्रकार की बताई हैं। जो महर्षि वात्स्यायन भी अपने कामसूत्र में 64 प्रकार की काम कलाओं और उनकी कलाओं का वर्णन करते हैं। फिर सुनार, जो सोना बनाता है, स्वर्ण के आभूषण बनाता है, या आभूषण को कैसे उसमें चोरी करता है, वो उसके बहुत अलग अलग रूप हैं, उनकी भी वो 64 प्रकार की कलाएं बताते हैं। फिर उस समय के काल के जो बौद्ध चिकित्सक थे, जो डॉक्टर्स थे, उनका भी इन्होंने 10 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया कि वो किस तरह से सुधार करते हैं, या क्या बीमारी का ढंग रहता है, कैसे पता करते हैं, वो सब इन्होंने 10 प्रकार की कलाओं का वर्णन उन्होंने किया है। फिर 16 प्रकार के कायस्थों की कला का वर्णन किया, कायस्थों से अभिप्राय यहाँ पर लेखक है, मूल रूप से उस समय कायस्थ जो होते थे वो जो लेखन कार्य करते थे वो कायस्थ, तो राइटिंग के जो गुण हैं या राइटिंग से जो उल्लू बनाने के ढंग हैं, वो सब इनका वर्णन 16 प्रकार की कलाओं का क्षेमेंद्र के अनुसार कायस्थों का उन्होंने वर्णन किया। और फिर 100 प्रकार की उन्होंने विस्तृत रूप से मूल सार रूप से कलाओं का वर्णन किया है। तो ये मूल रूप से क्षेमेंद्र ने कलाओं का वर्णन किया है, जो टोटल 350 कला का वर्गीकृत है। इसके बाद बात करते हैं तो कला के अन्य भी आधार हैं, कला के और भी रूप हैं जिसके आधार पर हम कला का वर्गीकृत अगर हम करें, तो सबसे पहले जैसे रूप के आधार पर अगर हम कला का वर्णन करें, तो रूप के आधार पर विद्वानों ने मूल रूप से 2 प्रकार की कलाएं बताई हैं, एक रूपात्मक कला जिसको हम स्थान पर आधारित कला या अचल कला, अचल मतलब जो चल नहीं है, जो उसमें स्थिरता नहीं है, मोशन नहीं है, स्थिर है, वो कला मानेंगे, इसको रूपात्मक भी कहते हैं, या स्थान पर आधारित मतलब एक स्थान पर रहे उसको ये रूपात्मक या अचल कला कहते हैं। और दूसरी चल कलाएं, अर्थात जिनमें गति है, गतिमान है, गत्यात्मकता है, जो गति पर आधारित हैं, जिनमें मोशन है, जो आवागमन कर सकते हैं, जिनमें वो चीज़ रहे, वो चल कलाएं। तो रूप के आधार पर कलाओं के मूल रूप से 2 वर्गीकरण हैं, एक चल कला और एक अचल कला, या अचल कला दूसरी चल कला। तो अचल कला, स्थिर कला, या एक स्थान पर रहने वाली कला जिसको रूपात्मक कला भी कह रहे हैं, उसके मूल रूप से विद्वानों ने 3 प्रकार बताए हैं। पहला है चित्रकला, स्वाभाविक चित्रकला स्थिर रहती है, चित्रकला में हम अब ये ना कहें कि पेंटिंग तो हम एक से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो पेंटिंग जो फ्रेम है वो ले जा रहे हैं, वो कला मूल रूप से चलाए मान रही हैं। उसी तरह से मूर्तिकला स्थिर कला है, वास्तुकला आर्किटेक्ट कोई भी भवन निर्माण, या कोई गुंबद, या कोई मीनार, या कोई महल, या कोई किला, या कोई कुछ भी ऐसा वर्णन है जो वास्तुकला की श्रेणी के अंतर्गत आता है, वो भी
अचल कला की वर्णन आएगा रूप के आधार पर। फिर चल कलाएं, तो चल कलाएं अर्थात गत्यात्मकता गति पर आधारित, तो इनके फिर दो रूप बताए हैं, एक काव्य कला। अब काव्य कला में देख लीजिए आप, नाटक हो उसका पढ़कर देखकर सुनकर आनंद लेते हैं तो एक कान से दूसरे कान तक जाता है, कहानी सुनना, नाटक पढ़ना, नाटक देखना, ये सब काव्य से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो गतिमान कलाएं होती हैं। उसी तरह से संगीत जो है, संगीत भी है क्योंकि वो ध्वनि से आवागमन कर रहा है, उसमें भी चलायमान होता है, तो वो गति है, वो अदृश्य है, वो दिखने वाली नहीं है, सुनने वाली, लेकिन उसमें गत्यात्मकता आती है। तो मूल रूप से रूप के आधार पर वर्णन करें तो ये चल कला और अचल कला की श्रेणी में विद्वानों ने बांटा है। इसके बाद फिर जब बात करते हैं तो इंद्रिय आधार पर, इंद्रियों के आधार पर अगर हम कला का वर्णन करें तो जो हमारी सेंसेस होते हैं, जो हमारी पांच इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां हैं, उनके आधार पर अगर वर्णन करें तो विद्वानों ने फिर इसके दो रूप बताए हैं, तीन रूप में उसके मूल वर्णन किया है, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य। यहाँ हीगल को हम याद कीजिए कि जो दृश्य और श्रव्य कला के बात करते हैं, मतलब ऑडियो आर्ट, विजुअल आर्ट और ऑडियो वीडियो आर्ट, या ऑडियो विजुअल आर्ट जो कला है। तो दृश्य कला अर्थात जो देखकर जिससे हम आनंद की अनुभूति करें, तो इसके प्रकारों में अगर देखें तो चित्रकला है, मूर्ति कला है, वास्तु कला है, स्वाभाविक है उसका आनंदानुभूति हम देखकर ही करते हैं कि देखिए ये पेंटिंग जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, ये मॉडर्न आर्ट है, ये रियलिस्टिक आर्ट है, ये MF साहब की पेंटिंग है। आप देखिए इनके अलग दर्शन है, इनकी अलग, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची, शायद मैं सही कह रहा हूँ, सबसे पहले बनाई थी, तो वो रेखाओं पर किस ढंग से उन्होंने, उसका डायमेंशन है कि वो पहली बार था ऐसा कि उसकी मूर्ति हम किसी भी डायमेंशन, किसी भी एंगल से देखते थे, वो ऐसा लग रहा है हमें देख रहे हैं, जैसे हम आजकल जब फ्लैक्सों पे जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगे होते हैं, तो हीरोइन या हीरो की या किसी वो चित्र लगा होता है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ से देखिए हम तो वो हमें देख रहा है, इधर से देखिए तो वो हमें देख रहा है, 180 की डिग्री के कोण से जब भी से हम देखते हैं वो हमें ऐसा लग रहा है। तो ये पहली बार उन्होंने किया है। इसी तरह से भारतीय जो हम चित्रकला की बात करें तो मूल रूप से वो रेखाओं पर आधारित है। अजंता एलोरा की आप गुफाएं देखिए, हम लोग 2D पेंटिंग या इन सब से वर्णन कर रहे हैं तो देखिए बहुत सारा वर्णन चित्रकला का मिलता है, मूर्ति कला का मिलता है, तो हमारी कलाएँ रेखा प्रधान ज़्यादा हैं। वहाँ तो बहुत यथार्थ और वैसी पेंटिंग का विकास हुआ, लेकिन हमारी पेंटिंग का अद्भुत एक दर्शन है। उसी तरह से वास्तुकला है, ये भी एक दृश्यात्मक कला है, देखकर आनंद देने वाली कला है। श्रव्य कला की श्रेणी में अगर माने तो ऐसी कलाएं जो जिनका आनंद हम सुनकर ले सकते हैं तो श्रव्य कला के अंतर्गत आएगा, जैसे संगीत है, संगीत ललित कला की श्रेणी है, उसमें हम सुनकर उसका आनंद लेते हैं। काव्य है, साहित्य है, कहानी नाटक उपन्यास जो पढ़ने का जो आ जाता है वो हम सुनकर उसका आनंद लेते हैं, पढ़कर उसका आनंद लेते हैं, सुनाकर किसी का आनंद लेते हैं, तो वो आजकल बहुत चलता है रेडियो FM और 92.7 FM पे जो नीलेश मिश्रा की कहानियाँ, तो वो सब श्रव्य कला की श्रेणी में आती हैं, साहित्य। और वो फिर है ऐसी कलाएं जो दृश्य और श्रव्य दोनों में आती हैं, जिनका हम देखकर और सुनकर दोनों तरीके से आनंद ले पाएँ, वो दृश्य और श्रव्य कला का श्रेणी कहलाता है। तो इस श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो हमारा संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, ये सब, और इनका जब मंचन पर प्रस्तुत करते हैं, आजकल तो संगीत का भी प्रदर्शन हो रहा है, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, संगीत काव्य साहित्य कहानी नहीं, इसमें नृत्य है और नाट्य है, मूल रूप से नाट्य है जो दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार की कला का वर्णन है, इनका मंचन हम करते हैं उसमें। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसका और भी वर्णन है, लेकिन चूंकि एक वीडियो की भी क्षमता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइज़, तो अपलोड होने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको पार्ट में हम डिवाइड करके करेंगे। तो अभी हम इंद्रियों के आधार पर चर्चा कर रहे की हमने यहाँ इस भाग में अलग अलग प्रकारों से, इसके और भी जो रूप हैं उनके आधार पर चर्चा हम अगले भाग में करेंगे, और उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर फ़ायदेमंद रहेंगे, हो रहे होंगे, और आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी आपकी जो कुछ सजेशन हो और कुछ कमेंट हो उसको कीजिए, अच्छा लगेगा, और कुछ पूछना हो आपने तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव जितना समय मिलेगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा,
और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिए जैसी आपकी इच्छा हो। तो आप सुने, थैंक यू सो मच, और अगले भाग में इसके और जो विविध प्रकार अंतर हैं उनकी हम चर्चा करेंगे।